डीआरडीए हाल में जिला परिवेदना समिति की बैठक का किया गया आयोजन। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह द्वारा की गई। बैठक में समाधान के लिए कुल 16 शिकायतें यहां पर रखी गई, जिसमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। शेष बची एक शिकायत का मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया व इसके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के आदेश उनके द्वारा दिए गए। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि अधिकारी जिला परिवेदना समिति की बैठक में होमवर्क करके आए और आमजन की आने वाली शिकायतों का शीघ्र समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने परिवेदना समिति में आई सभी शिकायतों को बिंदुवार सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा बिजली के मामले में देश में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है। सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयां अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी हैं, जिनसे हमारे राज्य को आर्थिक तौर पर काफी फायदा भी पहुंच रहा है और युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। कितनी शिकायतें सुनी गई हैं और किस जगह सुनी है? टोटल हमारे पास 16 केसेस थे जी, 15 डिस्पोजल कर दिए, एक जो है वो इंक्वायरी पे दे दिया। उसमें हमारे ये मैडम और विधायक जी ये करेंगे, वो भी फाइल ये समझो हफ्ते में कर देंगे। एक मैडम के पास एक केस है, बाकी सब फाइल कर। तो सर दो अभी जो आरक्षण बिल पास हुआ है सर महिलाओं के लिए, उसमें के बारे में क्या? अच्छी बात है, सब लोग करेंगे। मेरे ख्याल में यूनानिमसली पास होगा, घर में रोटी खानी है, कौन मना करेगा सबने। सर इसमें गाइडलाइन क्या है, अब बीसी होगा या नेक्स्ट? देखिए मुझे लगता है कि अगले में ही आ जाएगा अगले, क्योंकि अब जो पास किया जा रहा है वो अगले लोकसभा विधानसभा के लिए, ये तो इमीडिएट लागू हो जाएगा। जब कोई भी बाई इलेक्शन, इवन पहले कोई बाई इलेक्शन आ गया तो उसमें भी लागू होगा। पर ये डिपेंड करेगा कि लैंग्वेज ड्राफ्टिंग क्या होती है। इसमें ऐसी महिलाओं के लिए प्रोविजन है बट ओबीसी को उसमें स्थान नहीं दिया गया है, डिमांड। देखिए अभी पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, पार्लियामेंट से बड़ी कोई नहीं है, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ये सब्जेक्ट उनका है, आपका हमारा ना। आप और हमसे पहले उन्होंने पूछा कि ये बिल ला रहे हैं, ये वो पास करेंगे, आप हमें मीडिया पे दिखा देंगे, हम देखेंगे। सर पूरा देश इस बिल का स्वागत कर रहा है, लेकिन अतीत में अगर हम छोटी सरकारों की बात करें, गांव या वार्डों में, तो चाहे पार्षद महिला चुनी जाती है चाहे सरपंच चुनी जाती है, देखिए उनके प्रतिनिधि आगे आते हैं, यहाँ तक साइन तक उनके प्रतिनिधि करते हैं, तो ऐसा नहीं क्यों लग रहा है कि सरकार अवसर दे रही है, उसके बाद भी चार दीवार में बंद होके रहेंगे? नहीं देखिए, जब कोई चीज ऊपर से शुरू होती है ना तो उसका फॉलो नीचे तक आता है। जब लोकसभा में होगी तो विधानसभा आएंगी, फिर म्यूनिसपैलिटीज में आएंगी, पंचायत में भी आएंगी, एक परंपरा शुरू होती है तो वो उसे सोसाइटी अपनाती है, वो फिर लोगों की मांग होती है। ओपिनियन पोल क्या है, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी में क्या है, ओपिनियन पोल से ही सब चीज होती है। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन तो टोटल कन्वेंशन पे, वहाँ कोई रिटर्न है भी नहीं। सर जो लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं उसके लिए जो सब्सिडी दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लंबे समय से बंद पड़ी है, उसका पोर्टल है वो बंद पड़ा है, शहर में लगवाना चाहते हैं। नहीं दे रहे हैं, देखिए प्राइवेट हाउसेज को नहीं दी जा रही, पर जैसे पंचायतें हैं, पंचायत की धर्मशालाएं हैं, बैकवर्ड की हैं, एससी की है, उसमें हम 75% सब्सिडी दे रहे हैं। जो जनरल की है उसमें हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं। सोलर तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, आपको जानकारी दूं पूरे देश में इस वक्त सोलर पंप की है, जिसे कुसुम योजना कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर की भाषा में, उसमें राजस्थान के बाद हम नंबर 2 पे हैं पूरे देश में। तो बहुत तेजी से आप गांव में देख ही रहे, हर जगह प्लेटें लगी हैं, लोगों ने बहुत तेजी से रहे, पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं, जितने आपके मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन पर सब शहर में। सर जो
सर आपने उड़ा की बात की कि 3 सीट पे सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में देखिए मैं ये जो मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें कि पिछली बार उड़ा साहब को कोई सीट नहीं मिली थी। जब किसी पार्टी का जब कोई जननायक चलता है, जब उसका एक तरफा मैंडेट हो जाता है तो उसमें सब कुछ छूट जाता है। हमने जो देवलाल के वक्त भी देखा, जेपी मूवमेंट में भी देखा, इसका भी देखा। देखिए रिकॉर्ड की चीज़ बता रहा हूँ कि आज तक किसी को भी पार्लियामेंट में इकट्ठे 3 मैंडेट नहीं मिले। इंदिरा गांधी भी 77 में हार गई थी, उसके बाद फिर बन गई 80 में, वो अलग है। मतलब 3 बार कंटिन्यूस देश का प्राइम मिनिस्टर, एक बार जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसके बाद आज तक नहीं बने। यूपी आया, एनडीए आया, 2 साल चले, 3 साल चले, 1.5 साल चले, कोई 3 बार कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। ये नरेंद्र मोदी 3री बार बने, ये आज बता रहा हूँ। जो G20 इवेंट हुआ है इसमें इंटरनेशनली देश की बहुत मजबूती आई है। बहुत लोगों ने देखो, आज कोई कुछ भी कहे, इवन मीडिया ने कहा कि गजब का मामला हुआ था, कोई छोटा आयोजन नहीं था, बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन। नंबर 2, जब राम मंदिर बनेगा ना, अब आप ये लंबा हो जाएगा, बस थोड़ा सा बताओ, हाँ भगवान राम कितने बड़े थे इसका एक मैं अंदाज आप लगाओ, अब मैं बताऊंगा तो आप रियलाइज करेंगे। देखिए कोई भी लोहड़ी का कम होता जा रहा है, होली का त्यौहार कम होता जा रहा है, मैं किसी धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, उनके भी जो हैं वो पहले से कम होते जा रहे हैं। दिवाली का अभी से लोगों ने घरों में रंग रोगन शुरू हो गया, और दशहरे के बाद आप ये समझो कि दशहरे की झांकियाँ निकलेंगी सब शहरों में, दशहरा मनाया जाएगा, 50-50, 20-20 हज़ार के शहर में भीड़ होती है। उसके बाद जब फाइनल इवेंट आता है भगवान राम के जन्मदिन का, तो 10 दिन पहले बाजार में मिठाइयों से सज जाता है। आपने कभी अपने बेटे के लिए, माँ बाप के लिए ऐसा जन्मदिन मनाया तो बताओ, और 10 दिन पहले सारे बाजार में मिठाइयों की लग जाएंगी, पटाखों की रेडियां लग जाएंगी, फूलों की मालाएं लटकने लगती है, बाजार ऐसे सज जाता है जैसा उसने पिछले 9 महीनों में नहीं था, वो उस बाजार में ऐसा सजता है, देखने को दिल करता है। और फिर हर घर में दीप जलाए जाते हैं, हर घर में मिठाइयाँ बनती है, आर्मी में तो घर पहुंच जाता है, कॉलेज में तो पहुंच जाता है, सर्विस में तो घर, सबकी हाजिरी उस दिन 100% घर जाती है। कोई खेत में रह रहा है उसके भी लाइट जलती है। आप ये समझो कि हजारों साल बाद भी भगवान राम को जब इतना मनाया जाता है तो उससे बड़ा कोई आदमी था ही नहीं। ये मेरी गलत बात है तो बता दो, अच्छी बात, इतना बड़ा आयोजन मैं आपसे बता रहा हूँ। जिस दिन अयोध्या में जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पूर्ण भव्य दिखाई देगा, आपका मीडिया दिखाएगा, घंटे भर से देखेंगे, तो फिर हिंदुस्तान के लोग जैसे फिर कहीं भी बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, या जहाँ देखिए, कोई आदमी अगर गाली निकाले उसका जवाब हम पे नहीं है, उन्होंने कहना ही कहना है। मैं आपको अगली बात बताऊँ, आप इसे चला रहा कि नेशनल ग्रोथ, इंटरनेशनल ग्रोथ क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है, ये एक सवाल मैं समझा रहा हूँ आपसे। अब पूरे वर्ल्ड में हमारा जो बॉम्बे है उसकी इकोनॉमी जो है $900 बिलियन है, और वहाँ की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। गुड़गांव की इकोनॉमी $300 बिलियन है, गलत नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और वहाँ की आबादी 14 लाख है। पर कैपिटा इनकम पूरे वर्ल्ड में गुड़गांव 1 नंबर पे, आप उसे सर्वे करके देखिए। आप बताइए ये चीज़ें कहाँ को क्यों बताएंगे कांग्रेस वाले, ये बात आम आदमी पार्टी वाले क्यों बताएंगे, ये बातें हमारी हमने पूछने लगे थे, उनके जवाब ही नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि क्या है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। साहब जरूर उनकी मन की इच्छा होती है एक बार आके जाएं। जितने मुस्लिम थे वो मक्का मदीना से पहुंच जाते हैं, हर हिंदू चाहे वो किसी भी देश में बैठे हैं वो वहाँ पहुँचेगा। जब लोग अमरनाथ जाते हैं, ऐसी ऐसी यात्रा पे संकट लेके भी जाते हैं, तो भगवान राम मंदिर पे मैं आपसे बताता हूँ जाम लगे होंगे, कई कई साल जगह नहीं मिलेगी, ये होगा, ये आप देखना 3 महीने बाद ऐसा सीन हो जाएगा, हर हिंदू वहाँ पहुँचेगा। सर अच्छी बात है, लेकिन जो पब्लिक की नीड है, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, खासकर युवाओं के लिए रोजगार, ये चीजें नहीं मिल पा रही सरकार में, तो लोग यही ब्लेम करें बीजेपी को, ये कास्ट का जो खेल कर रही है ये लंबा नहीं चलता। आपका मीडिया बागेश्वर महाराज को क्यों रोज दिखा रहे हैं, आप कोई और कहानी नहीं चलाते, जब भगवान राम इतना बड़ा होगा तो वही वो दिखेगा, सब चीजें बाहर होगी, जो भगवान राम का चलाएगा उसको देखेंगे लोग, ये हो जाएगा। सर चलो आप वो काउंट करा रहे थे कि विपक्ष कुछ स्टेटों तक लिमिट है, बीजेपी कौन कौन से स्टेट में, कहाँ कहाँ